नमस्कार, भाग्य दर्शन कार्यक्रम को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुच्छी। मो प्रज्ञा बेले बेले आमर इमोशन आमर भाव प्रवणता सहित अनेक जन खेली था आमर ताक दुर्बलता भाभी था। सपोज आपड़ जन क्या बहुत क्या गोटे भल पाई से जाणीदे कि आपको भल पाई सी आप सहित खेल आरंभ कर से आपंकर हृदय को बाधि हृदय को कष्ट आपण आखिरी लुह झर आपण इमोशन बढ़ जो आमर इमोशन बहुत आसी थाए से आमर हार्मोन परिवर्तन आसी थाए। हार्मोन उपरे यार प्रभाव बहुत पड़ी थाए। आमर हार्मोन ही आम शरीर को मोटा करवा पतला करवा आमर मस्तिष्क को ठीक रखा यू बहुत प्रभावित होता है आमर हार्मोन द्वारा। जितेबाला आमर भाव प्रवणता बहुत बढ़ी जाऊँगी कौन सी जिनस को आप सपोज जन को बहुत भल पाऊँच कि भल पाइबा कद करूनी आपण भल पाइबा को बुझुनी ता बदल भल पाइबा देवा छड़ा से आपण को कष्ट दौर से जगह आपणकर इमोशन प्रभावित हो कष्ट कांदुंट अलग कार्य करूना से व्यक्ति सब सामना को आणुंट ये तो गला व्यक्तिर कथा कहीं कहीं जड़े कर्म को हरई सेतेबेले आमर आसिला कि आमे जॉब पाइना कष्ट आसिला आमे ताको बहुत भाबिले आमे बेसी समय गोटे जिनस को आमे भाबी थांती किंतु आउ गोटे कर्मटा को आमे करिबा जदि तार उपरे आमे फोकस दबा ठीक अछि किंतु आमे भाबिबा आमे सेठी बहुत भलो कार्य करथिले आमको से माने काही रखिले नै काही जॉब रो विदा कर देले बा एमति भाबिबा बा आपणकर संतान देखंथु सृष्टि ईश्वरंकर बिना इच्छा रे एठी दुबटे भी कोणलेनि आपणकर संतानर कष्ट रहि सब संतान हेउ नाही चेष्टा करूछन्थि किंतु संतान हेउ नाही से जगरे आमर संतान हेलानि आमे भाबिथांथि आमे भाबिबा द्वारा आमर क्षति करथांथि आमे भाबिले ही कोण आमे अगोटे संतान को सृष्टि कर सृष्टि ऊपरवाला ही दे था तेणु यहाँ कह ईश्वर उपरे भरोसा रखा कितु ताकू नहीं भाविक आमर इमोशन टाक आम कहीं कष्ट प्रत्येक जिनस तो मुझे केवल गोटे रिलेसन है गोटे कर्म है गोटे सतानर कथा ये तो मुझे गोटे आपन गोटे एग्जाम्पल देली एमती लक्ष लक्ष व्यक्ति अच्छा कोटि कोटि व्यक्ति अच्छा असंख्य व्यक्ति अच्छा जो मैंने बहुत भाव प्रवणता भितर रही था भाव प्रवणता भितर रहीबार व्यक्ति हो जो माने जल तत्वर लग्न एवं जल तत्वर राशि मीन लग्न मीन राशि कर्कट लग्न कर्कट राशि बिछा लग्न बिछा राशि एवं मकर राशि वृष राशि एवं बिछा राशि एमाने होउछन्ती बहुत भाव प्रवण भितर रहिथांती एमानकु टिकिए कोन कथा कहिले एमाने दिन राति बसी भाबिबे रात्रिरे सोइथिबे निद भांगी जीव हटात के सेही कथाकु सेमाने भाबिथांती। जितेबेले आपनको भितर इमोशन आसी आ कोनोसी ना कोनोसी जितेबेले आपन एई त कहिले एई राशि एई लग्न एवं आउ किछि थांती व्यक्ति जो मानकर चंद्र पीड़ित अवस्था थाए चंद्र रवि सहित अमावास्या जो मैंने अमावास्या जन्म होता रवि सहित चंद्र रहीगले जदि जल तत्व हो जल तत्वर लग्न राशि पुणी सहित जो रवि रहीगले एम को बुझे बुझे भी आप पारे दुनिया दुखर दुनिया भितर से भाविक रही था कि वृष बिछा और मकर एम को तो खुशी पहाड़ में बसईदे भी एम दुख को टाणिक आणवे और भावे कमिटा को सब नजर से मितर कमीर नजरटा से भितर सब थाए एम को जिते बुझे जिते जहाँ कले न थाए चंद्र जदि केतु सहित राहु सहित शनि सहित रही तो विष जोग सृष्टि कर रवि सहित रे अमावास्या पूरा पूरी भाव अस्त एवं जदि डिग्री बहुत कम हो जाए तेज से क्षेत्र में बहुत गुड़ाए जिनस को नेगेटिव वे भाभी नहीं थांती तांको दुखटारे आर खुशी कौटा होने से इमोशन भितर बुड़ी रे निज को कष्ट देवे आईटा ही भितर से टाइमटा से आड़क दे दिखती अलग प्रथम कथा आम इमोशन भितर को गले आमर अलग टाइम को आम बर्बाद कले आम अगजों पर भाविले अलग गोटे जिनस भाविले जार कि रिटर्न ना तेणु से सब जिनस केमती भाव में बाहर आहर निहती जरूरी ना आप डिप्रेसन को चलीजे मुंड आपंकर ठीक से कम करसीसन ठीक भाव में नहीं पारे बेले बेले बहुत जन देखा चंद्र जिते बड़े दशा थाए चंद्र अष्टम चंद्र षष्ठ कौन शुभ ग्रह बृहस्पति सहित नथिबे बहुत पाप क्रूर ग्रह दृष्टि दौथे और से त्रिक जगार रही जाइए बहुत गोटे अलग जगह जो बहुत पाप ग्रह दृष्टि रही जाए जोगकारक ग्रह नही मारक बाधक होते और चंद्र को से देखुए तेरे से क्षेत्र में आ गोटे कथा शुक्र सहित जितेबाला आसी था कौन रिलेसन को पाइबापी तर्सी था मंगल देखिले लाइफ गोटे
ଅତି ଭଲ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ତ ଏ ତ କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ ଆମେ ତ ପୁଣି ସେ କଷ୍ଟରୁ ବାହାରିବା ନା ସେଇ ଲାଇଫ୍ ସାରା ସେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା ସେଇ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ ସେ କଷ୍ଟରୁ ବାହାରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ କିଏ ଦେଖିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁନିଆକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମକୁ ତେଣୁ ଏଇ ଜନ୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭାବପ୍ରବଣତାର କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଦୟାକରି ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ ଜମା ତା ଭିତରେ ରହି ନିଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଜମା କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ତାପରେ ଯାଇ ତ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ନହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ସୋମବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତର ପାପୁଲିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ କ୍ଷୀର ରଖି ଏହାକୁ ଆପଣ ଓଂ ନମ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଏବଂ ତାପରେ ଓଂ ଚଂ ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମ ଏହାକୁ କହି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ହାତ ପାପୁଲି ସହିତ ହିଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ ବାହାରି ଯାଉଛି ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ୍ଷୀରକୁ ସବୁବେଳେ ନା ଗୋଟେ ଲିଟର ଦୁଇ ଲିଟର ଢାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ କାଫି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଢାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ ବାକି କ୍ଷୀରକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ରେମେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନ୍ଟା କେମିତି ବାହାରିବ ଆପଣ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ହରମୋନ୍ କେମିତି ବାଲାନ୍ସରେ ରହିବ ଡିସବାଲାନ୍ସ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଇଏ ସବୁ ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ କ୍ଷୀର ବି ସବୁଦିନ କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ସୋମବାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନ୍ରୁ ଆପଣ ବାହାରି ଆସିବେ ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି ବିଦାୟ ନମସ୍କାର।